सभी का हमारी इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का 11th आर्ट्स का रिज़ल्ट, जो कि जामिया ने आज ही रिलीज़ करा है। ये रिज़ल्ट जो है वो स्कूल वाइज कोर्स वाइज रिलीज़ हुए हैं। तो फिलहाल हम 11th आर्ट्स का रिज़ल्ट देख रहे हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, गर्ल्स स्कूल का। सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आपको 1 से 4 तारीख के बीच में जाकर एडमिशन लेना है, यानी कि 1 से 4 अगस्त तक। अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ क्या गई है। देखिए, कट ऑफ जो है वो इसकी हाई गई है सीनियर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के मुकाबले। वहाँ पर जो जर्नल की हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 79 थी। आप देखिए यहाँ पर कितना फासला है, लगभग 8 नंबर का यहाँ पर फासला है। यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो गई है 87, मुस्लिम की 86, मुस्लिम वुमेन की 85, मुस्लिम ओबीसी एसटी की 83, पीडब्ल्यूडी की 67, पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर की 60, कश्मीरी माइग्रेंट की यहाँ पर 48 गई है, जबकि सीनियर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में 35 गई थी। आप देखिए जम्मू कश्मीर की भी कितनी हाई है, 82, आई थिंक वहाँ पर 72 समथिंग है। तो पूरे 10 नंबर का यहाँ पर आप देखेंगे फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो बेसिकली सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कट ऑफ हाई ही जाती है और इस साल काफ़ी हाई गई है। तो अब हम सिलेक्टेड लिस्ट देख लेते हैं किन लोगों का नाम इस लिस्ट के अंदर है। सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिलेक्टेड लिस्ट आपके सामने आना शुरू हो गई है। कैटेगरी वाइज है, जनरल में 13 बच्चों को लिया है, मुस्लिम में 9 बच्चे हैं और मुस्लिम वुमेन में 3 हैं। आपको अपना एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर दोनों ही चीज़ें मैच करनी है, जो आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर मिल जाएंगे लिखी हुई, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुस्लिम ओबीसी एसटी, ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज में सिलेक्शन हुआ है, यहाँ तक कि कश्मीरी माइग्रेंट, सब यहाँ पर दिया हुआ है। और लास्ट हमारी कैटेगरी है जम्मू कश्मीर। तो ये तो हो गई आपकी लिस्ट। इसके बाद अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर इस साल जो वेटिंग लिस्ट इन्होंने दी है ये काफ़ी लंबी है, ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ कुछ रिमार्क में लिखा हुआ है, देख लेते हैं रिमार्क क्या है। देखिए, इस रिमार्क में यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये जो स्टूडेंट है सिलेक्टेड इन सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन जर्नल कैटेगरी, ओके। तो ये जो स्टूडेंट है इनका जो नाम है, इनका जो सिलेक्शन है वो सैयद आबिद में हो चुका है, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ सीनियर सेकेंडरी से लो रही होगी, इस वजह से इनका एडमिशन सैयद आबिद में हो चुका है। तो अब या तो ये चाहें सैयद आबिद में एडमिशन ले लें, या चाहें तो उसका वेट कर लें। वैसे ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप एडमिशन तो वहाँ लेके अपनी सीट सिक्योर कर ही लें, बाकी बाद में प्रेफरेंस आप देखते रहिएगा। तो खैर, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का वहाँ पर हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ। जैसे आप देखिए जो 19th कैटेगरी है जर्नल की, उसका नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए सबका हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ, हो सकता है उन्होंने उसके लिए अप्लाई ही ना करा हो। कुछ का यहाँ पर देखिए सीनियर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी हो चुका है, सेल्फ फाइनेंस में, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये जर्नल की है आपकी। अब देखिए यहाँ पर इस बार इन्होंने, मुझे लग रहा है, सभी की रैंक यहाँ पर दी है, मतलब जितने भी रोल नंबर है सबके यहाँ पर इन्होंने रैंक्स बता दी हैं। तो आप अपनी रैंक इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था 10, 15, 20 या 40 बच्चों की मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट आती थी, लेकिन इस बार ये वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए जर्नल की ये भी काफ़ी देर में ख़त्म होगी, तो मैं अगर एक एक करके सबको दिखाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए अगर आपको उसको पीडीएफ फॉर्म में ही देखना है, वैसे मैं अभी स्क्रॉल कर रही हूँ इसे, तो आप उसको मेरे चैनल पर जाकर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मुस्लिम की आ गई, वैसे भी जो पहला पेज है वही क्लियर होता है ना, तो यहाँ के 2-3 रैंक क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका नाम अगर शुरू के 2-3 उसमें है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी सीट सिक्योर है, सेकंड लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। तो ये मुस्लिम की आ गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मुस्लिम की कितनी लंबी, यहाँ पर 103 बच्चे टोटल हैं। इसके बाद मुस्लिम वुमेन आ गई है, इसमें देखिए सबका ऑलमोस्ट सैयद आबिद गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में हो चुका है एडमिशन। ये देखिए मुस्लिम वुमेन यहाँ पर आ चुके हैं। मैं बता भी रही थी आपको कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 2-2 जगह नाम आ जाता है, मान लीजिए सेकंड वेटिंग लिस्ट में इनका नाम आए लेकिन ये कहीं और एडमिशन ले चुके हैं, तो फिर थर्ड वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है लगभग 5-6 लिस्ट तक। ओबीसी आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ओबीसी के बाद आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आ गई, जिसमें 4 वेटिंग है, और लास्ट में आपकी जम्मू कश्मीर कैटेगरी आ चुकी है। इस बार इसकी वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, और आखिर में ये देखिए 22 बच्चे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।